सीसीटीवी कैमरास के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं थर्मल सीसीटीवी कैमरास की, जिसकी नजर से छुपना लगभग नामुमकिन है। हम डिस्कस करने वाले हैं इन रिमार्केबल डिवाइसेज में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में, और साथ ही एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से ये डिवाइसेज हीट की पावर को हार्नेस करके एक ऐसे स्पेक्ट्रम को रिवील कर सकते हैं जो हमारी आईज कभी भी नहीं देख सकती। आप इन कैमरास की इनक्रेडिबल कैपेबिलिटीज और एप्लीकेशन के बारे में जब जानेंगे तो इस टेक्नोलॉजी को अप्रिसिएट किए बिना रह नहीं पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो के जैसे ही न्यूमरस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे इस चैनल पर अवेलेबल हैं। ये सभी वीडियोस टेक्नोलॉजी और एजुकेशन से रिलेटेड हैं। ऐसे टॉपिक्स को भी हमने कवर किया है जहां आप अपने घर के कम्फर्ट में बैठकर जेन्युइन तरीके से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो वेट ना करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन जरूर कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। हमारे यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को समझने में लाइट का एक इम्पोर्टेंट रोल है। यूनिवर्स में लाइट डिफरेंट एनर्जी फॉर्म्स में मौजूद है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उन सभी टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिस्क्राइब करता है जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, जिसकी एक तरफ रेडियो वेव्स हैं, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स हैं, और दूसरी तरफ अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज और एक्स रेज मौजूद है। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो छोटा सा हिस्सा है जो हम और आप देख सकते हैं, बाकी कुछ भी देखा नहीं जा सकता। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह रेनबो के अलग अलग कलर्स में टूट जाता है। एक एंड पर वायलेट कलर होता है जबकि दूसरे एंड पर रेड कलर होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर कलर की एक डिफरेंट वेवलेंथ होती है। वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम अप्रोक्सीमेटली 380 नैनोमीटर होती है और यह सबसे ज्यादा बैंड होता है, जबकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा यानी 700 नैनोमीटर होती है और ये सबसे कम बैंड होता है। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के लेफ्ट में मौजूद एनर्जीज जैसे कि रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स, इन सभी की वेवलेंथ लाइट से अधिक होती है, और दूसरे शब्दों में कहें तो इनकी फ्रीक्वेंसीज या एनर्जी कम होती है। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के लेफ्ट में मौजूद ये इंफ्रारेड एनर्जी वही एनर्जी है जो सभी थर्मल बॉडीज हीट वेव्स के रूप में एमिट करती हैं, और यही एनर्जी थर्मल सीसीटीवी कैमरास का बेसिक प्रिंसिपल है। जैसा कि आपको बताया गया है, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो छोटा सा हिस्सा है जो हम और आप देख सकते हैं। विजिबल लाइट एनर्जी जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो टकराने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट होती है और फिर हमारी आईज तक पहुंचती है, जिसके बाद हम उसको देख पाते हैं। नॉर्मल सीसीटीवी कैमरास भी इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। कैमरा डिटेक्टर रिफ्लेक्टेड लाइट को रिसीव करता है और फिर यह लाइट इमेज में कन्वर्ट की जाती है, लेकिन अगर लाइट ही नहीं होगी तो हमारी आईज हो या सीसीटीवी कैमरास हो, दोनों ही कुछ भी नहीं देख पाएंगे। अगर हम नाइट विजन कैमरास की बात करें तो वो भी नियर इंफ्रारेड एनर्जी को प्रोजेक्ट करके रिफ्लेक्टेड लाइट को जनरेट करते हैं जो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद उनके इमेजर तक पहुंचती है और फाइनली इमेज जनरेट होती है। लेकिन अगर हम थर्मल सीसीटीवी कैमरास की बात करें तो ये कैमरास लाइट डिपेंडेंट नहीं है। ये कैमरास हीट को डिटेक्ट करते हैं, हीट यानी इंफ्रारेड एनर्जी या थर्मल एनर्जी। एवरी ऑब्जेक्ट जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं थर्मल एनर्जी रेडिएट करती है, जिसे उस ऑब्जेक्ट का हीट सिग्नेचर भी कहा जाता है। ऑब्जेक्ट जितना अधिक हॉट होगी उतना ज्यादा रेडिएशन एनवायरमेंट में रिलीज करेगी। सभी तरह के ऑब्जेक्ट्स जैसे वार्म ब्लडेड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, कैट, डॉग, हॉट कॉफी मग, इंजंस, मशीनरी, बिल्डिंग्स, लैंड, रॉक्स, वेजिटेशन और बहुत कुछ, ये सभी एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं और उसके बाद उसको रेडिएट करते हैं। थर्मल कैमरास इस इंफ्रारेड हीट को डिटेक्ट करते हैं जो कि हम अपनी आईज से नहीं देख सकते। आज के एडवांस्ड थर्मल इमेजर छोटे से छोटे हीट डिफरेंस को भी डिटेक्ट करने में कैपेबल है। ये इतने पावरफुल हैं कि 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे निगलिजिबल डिफरेंस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं और फिर उनको शेड्स ऑफ ग्रे या डिफरेंट कलर्स के द्वारा डिस्प्ले कर सकते हैं और पूरा हीट मैप जनरेट कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है जो थिन प्लास्टिक के थ्रू भी देख सकती है। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी फॉग, स्मोक, रेन, स्नो, डस्ट, वेजिटेशन और कंप्लीट डार्कनेस में भी देख सकती है। डिस्प्लेड इमेजेस हालांकि परफेक्ट नहीं होती, लेकिन किसी भी थर्मल ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस इसकी नजर से बच नहीं सकती, और यही रीजन है कि इन कैमरास को आप रफ टेरेन्स और बड़े बड़े इलाकों में जैसे कि डेजर्ट्स, माउंटेन्स और बॉर्डर एरियाज, इनमें भी परफेक्टली यूज कर सकते हैं। थर्मल कैमरास की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये वॉल्स को तो देख सकते हैं लेकिन वॉल्स के थ्रू नहीं देख सकते। सिमिलरली ये मेटल, ग्लास या ऐसे मटेरियल्स के थ्रू भी नहीं देख सकते जिनमें रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉग और रेन्स में रेडिएशन स्कैटरिंग के कारण इनकी टेम्परेचर मेजरमेंट कैपेबिलिटीज पर कुछ असर पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद विजिबल लाइट कैमरास के मुकाबले इनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहती है।